पीएचडी करनी ज़्यादा टाइम रहना ये जे तुम अपना टाइम पढ़ाई में नहीं लाओगे किसी होर कामों में लाओगे तो जिंदगी का उन्ना टाइम वेस्ट हो जाता है। असी जो स्टूडेंट हूँ यंग स्टूडेंट हूँ टीनएजर हूँ अर्ली ट्वेंटी हूँ असी एक गल रिलाइज नहीं करते कि असी अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे। मैं सारे विद्यार्थियों को कहना तुसी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में पढ़न करोगे सुची सुजी ऑनेस्ट लाइफ और जो गुरु ग्रंथ साहब सानू सिक्ख्या दिती गई है वो ना पढ़िए ना वो अपनाइए डेली लाइफ के अपनाइए। पर एक गल मैं बड़ी खुशी की गल है कि जी नवी कमेटी इस गुरुद्वारा साहब में गया ये बड़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और इन्होंने इस यूनिवर्सिटी वालों जिनी भी हेल्प हुए असी करने तैयार है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अगे भी जो माया गुरुद्वारे की जो भी इन्हें समस्या से डे टू डे समझिया और उन्होंने दूर की। पर देखो हर रिलीजन के जिन्हें चर डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं चलता जिन्हें चर हर आदमी को पता ना हो गुरुद्वारे की हो रहा है फंड की है यदि मैनेजमेंट की है इस बच्चों की भी सेह हो कर्मचारियों की भी सेह हो इंपलाई की भी सेह हो किसी एक आदमी की मोनोपली ना हो और गुरु ग्रंथ साहब की परे पूरी मर्यादा भी ये की जाए। मैं बजंती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता होर भी बड़िया महान हस्तियां जिहड़ियां साढ़े सिख धर्म नाल जुड़िया हुई ने इत्थे ने और सानू ये गाइड भी करते रहिंदे ने ते मैं श्योर करवाउणा भी ये गुरु नानक देव जी नाँ ते यूनिवर्सिटी है और असी पूरी बच्चों की इंपलाईज की सारे की हैल्प करांगे तां जो इतों के विद्यार्थी एक साड़ी कौम का साड़ी नेशन का साड़े भारत का पंजाब का एक बहुत माण वाली जिहड़ी कम्यूनिटी पैदा हो जाए और जिस करके सानू थोड़े ते माण हो। मैं जिहड़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्टूडेंट्स इंपलाईज सारे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा कि उन्होंने मैंने बुलाया बेशक मैं मीटिंग तो आई एम सॉरी मैं लेट हो गया मीटिंग मेरी थोड़ी जी ज़्यादा चली जरूरी सी नहीं तो मैं टाइम से 12 बजे ही आता। पर मैं सारे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वालों इतनों यकीन दवाना कि असी जो भी होएगा यूनिवर्सिटी कर सकती है वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की इस नम्र गुरफतेह प्रवान करनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत की है अकाल पुरख वाहिगुरू जी की जो सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म सर्वशक्तिमान अकाल पुरख वाहिगुरू जी की सरगुण स्वरूप गुरु नानक देव महाराज जी जोत रूप और आप गुरु नानक आयो जिस सतगुरु महाराज जी के नाम के उत्ते गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का आधारशिला श्री गुरु रामदास महाराज जी की विसाई हुई नगरी के यूनिवर्सिटी बनाई गई। हर साल जिहड़े विद्यार्थी ने बहुत श्रद्धा भावना के नाल नौजवान बच्चे जेडे नवे बच्चे दाखिल होंगे ने उन्हां दियां शुभकामना लई सतगुरु जी का शुकराना करते हैं। अज भी ये गुरमत समागम फिर इस पावन नगरी नूं बसाउण वाले गुरु रामदास महाराज जी जिन्हां दा पावन दिहाड़ा कुछ दिनों तो मगर आ रहा वा उन्होंने समर्पित भी श्री गुरु रामदास महाराज जी का ये गुरमत समागम बच्चे इकट्ठे हो के जिन्हें जिहड़े बच्चों ने नवा दाखला लिया जिहड़े बच्चे विद्या की प्राप्ति करके जा रहे ने उन्होंने भी शुभकामना देने लई ये गुरमत समागम हर साल बड़ी श्रद्धा भावना ने मनाते बहुत खुशी तो प्रसन्नता की गल है के वाइस चांसलर साहब कुलपति प्रोफेसर अजैब सिंह जी बराड़ उन्होंने समय में इस यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की है
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਬਿਖ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਸੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਹਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨਿਰਾ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋਗੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੁਲਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓਗੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ
बहुत तरक्की की है, दुनिया नेड़े कर दिती है। देखो मोबाइल आ गया वा, पर उस साइंसदान ने जिसने उसकी काढ़ कटी है उसके विच एक बैटरी पाई है, जदों बैटरी लो हो जाती है उस बैटरी नू चार्ज कर लई अमीर नू भी फिक्र है, गरीब नू भी फिक्र है, आस्तक नू भी फिक्र है, नास्तक नू भी फिक्र है भी हुण इहदी बैटरी लो हो गई है मैं चार्ज कर लवा। पर तुसीं ध्यान नहीं कीता इस गल दा, ध्यान करना अज तो भई असीं अपने मन नू भी चार्ज करना। जिहड़े बंदे अपने मन नू सवेरे उठ के प्रभु दे चिंतन दे नाल चार्ज करनगे उन्हां नू हर पक्ष जिंदगी दे विच हर पासे तरक्की ही तरक्की होवेगी, उन्हां दी ओह बुलंदियां ते पहुँचणगे। तुसी विद्या के खेत्र विच भी तरक्की करोगे, अध्यात्मक तौर पर भी वह लोग तरक्की करनगे जिहड़े अपने मन नू चार्ज करनगे। मन नू चार्ज करना सी गुरमंत्र दे नाल, वाहिगुरु का चिंतन वाहिगुरु का सिमरन उहदियां मिठियां यादां हिरदे च वसावांगे तां तुहानू हर पासे तरक्की ही तरक्की तुहानू मिलेगी। ये धार्मिक तौर पर मनुख नू प्रेरणा मिलती है। जगत गुरु नानक देव महाराज जी नौ ते जूनी ब्रष्टी बनी है, असी हमेशा ही सतगुरु महाराज जी के जेडे दैवी गुण ने उन्होंने धारनी बनना वा, और इतों तुसी चंगी विद्या प्राप्त करके गुणवान बन के जाओगे ते हर पासे जिते थोड़े माता पिता नू तुहानू थोड़े पढ़ाउण वाले प्रोफेसर साहबाना नू ते मुखी प्रबंधकां नू खुशी होएगी, उत्थे तुहानू भी सतगुरु जी खुशियां प्रदान करनगे। मैं संभू बच्चों लई जिहड़े बच्चियां ने नवा दाखला लिया वा, जिहड़े बच्चे विद्या पढ़ के तरक्की करके जा रहे ने उन्हां लई भी, ते जिहड़े दाखला लैके अगे लई पढ़ाई कर लई उन्हां लई भी गुरु चरणां विच अरदास करदा हाँ। सतगुरु महाराज तुहानू हमेशा ही तरक्कियां प्रदान करन और धर्म दीआं कदरां कीमतां तुहाडे हिरदे विच वसण। और जिहड़ी गल है भई माता पिता की सेवा, माता पिता का सत्कार, अपने प्रोफेसर साहबाना विद्वाना का सत्कार, अपने गुरु का सत्कार, जे हमेशा ही थोड़े दिलों में रहेगा तो जिथे भी तुसी जाओगे उत्थे ही थोनू और तरक्की ही तरक्की और खुशियां ही खुशियां थोनू प्राप्त होणगियां। मैं वाइस चांसलर साहब जी का आए हुए सारे साडे सत्कारयोग प्रोफेसर साहबान विद्यार्थी और सज्ञानी किशन सिंह जी होर भी जितनिया धार्मिक व्यक्ति आए ने और विद्या के खेत्र दे विच और अध्यापक और बच्चे साहब का धन्यवाद भुला चुका दिखे वहाँ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी विद्वंती पासों तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे जिहड़े उस विस्मादी ज्ञान दे कंटेंपरेरी सच ने जो साड़ी विद्यक जिंदगी दे विच सहाई होणगे, उन्हां दे उत्ते चानण पा के ये सिक्ख्या दित्ती है कि किस तरह गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का शब्द ना सिर्फ साढ़े मन दे विच एक एकाग्रता लैके आंदा है, बल्कि जिन्हिया भी भैड़िया मतनी दुनिया के जिन्हें भी भैड़ी तरह की साड़ी बदफैलियां ने, साड़े दलिद्र ने, नशे दियां भैड़ियां अलामतां ने, हो तो बचा के सानू ना सिर्फ एक सुचज्जा मनुख बनाउंदा है, बल्कि उस मनुख की ऐसी कला उहदे विच ऐसी शक्ति पाउंदा है कि वह मनुख फिर संसार की भीड़ तो वखरा ही दिखदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश करन, मैं बेनती करांगा वाइस चांसलर प्रोफेसर जैब सिंह जी बराड़ नूं जो वेदांती साहब नूं गुरु की बख्शिश सरोपा बख्शन जी सोनिहार। मैं हुण सिंह साहब जी नूं बेनती करांगा कि वह उप कुलपति वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर जैब सिंह जी बराड़ नूं गुरु की बख्शिश सरोपा बख्शन। बोले सोनिहार। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी की यह बख्शिश है, ये कला है कि गुरद्वारा साहब एक टकसाल के रूप के घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर करम तनकार नानक नदरी नदर निहाल, उस नदर के सिद्धांत पर टुकाउंदी है। उहदे नाल ही सानू एक चटसाल का रूप अज यूनिवर्सिटी का मिलिया होया। देखो जिस तरह पुरातन समय के भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरु घर चटसाल सी, इसी तरह अज के समय के जिहड़ी चटसाल है उहदा रूप साडी यूनिवर्सिटी है। ये सिर्फ सानू
फोकी विद्या नहीं देंदी। देखो मैं फोका लफ्ज इसलिए वरत्या क्योंकि अज की जिहड़ी पढ़ाई है वह मनुख नूं इन्नू इन्ना को इगोइस्टिक बनाउंदी जा रही है क्योंकि वह पढ़ाई अध्यात्मक दे ज्ञान तो ऊनी है, उहदे विच अध्यात्मकता नहीं है। जिदे नाल ही यूनिवर्सिटी के दो डिपार्टमेंट सेंटर ऑन स्टडीज़ ऑन गुरु ग्रंथ साहब ते नाल ही गुरु नानक स्टडीज़ डिपार्टमेंट अध्यात्मकता दी ते गुरु नानक साहब महाराज जी की जिहड़ी वह करामाती जिहड़ी बाणी है उहदा अध्ययन उस इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं ते नाल ही गुरद्वारा साहब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थी रल मिल के रोज़ शाम नूं दीवान सजाउंदे ताकि जिहड़ी ये नवी पनीरी ये नवी पीढ़ी आई है ये सारिया के गुरु की शब्द की जिहड़ी जोत है गुरु की शब्द का जिहड़ा चानण है जिहनूं गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे पोथी पुराण कमाई है भो वट्टी इत तन पाई है सच बूझण आण जलाई है यह तेल दिया इउं जलै कर चानण साहिब तौ मिलै अंदर चानण की ओ बरकत हुंदी है। मैं धन्नवाद करदा हाँ वाइस चांसलर साहब जी का जिन्होंने सानू हौसला बख्शा, हर साल विद्यार्थियों हौसला बख्शते हैं। मैं धन्नवाद करदा रजिस्ट्रार साहब का, मैं धन्नवाद करदा प्रोफेसर गुलजार सिंह जी का, प्रोफेसर अमर सिंह जी का, प्रोफेसर शशि बाला जी हैड जिहड़े गुरु नानक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट ने, होर सारे साढ़े विच जिन्हें भी हैड मैं सारिया का तह दिल तो धन्यवाद करदा, डीन स्टूडेंट वैलफेयर का, टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, समूह स्टाफ का, और जिन्होंने अणथक मेहनत की है सारे विद्यार्थियों का, जिन्होंने तनदेही दे नाल तकरीबन एक महीना लग के सारे विद्यार्थियों ने बहुत मशक्कत दे नाल बहुत प्यार दे नाल जिमें हर साल ये समागम होंगे है इस साल भी ये समागम गुरु की बख्शिश कृपा दे नाल सिरे चढ़ाया। मैं सारिया का समुचे तौर पर धन्यवाद करता हाँ। दो कु बेनतियां मेरे को आईयां आनंद साहब तो पहला, पहली बेनती आई है यूनिवर्सिटी एल्यूमनी दे कोई रिलेटिव्स ने उन्होंने ये नैगेटिव ब्लड की लोड़ है। हाँ जी जे जे हरजीत सिंह जी की वाइफ की किडनियाँ फेल ने उन्हों जे कोई दसवंध दे सकता है तो जरूर अपने दसवंध विचों उन्होंने परिवार की मदद करो। तो ही मैं हूँ सारिया का समुचे तौर पर धन्यवाद करदा। तो एक बार फिर मैं क्योंकि समा बहुत थोड़ा है हूँ आनंद साहब सारिया ने रल मिल के पढ़ना, मैं इको बेनती करना चाहता जिथे सारे समूह विद्यार्थी रल मिल के आप सारा कुछ करते हैं उहदे नाल ही मैं जिहड़े नवे विद्यार्थी आए जिन्हां नूं आपां जिउं आयां नूं समागम कर रहे हां उह सारे रल मिल के गुरद्वारा साहब दे नाल जुड़न क्योंकि गुरद्वारा साहब दे नाल जुड़न दे नाल ही साढ़े अंदर एक अध्यात्मक रवानगी जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दस्तार रफ्तार ते गुफ्तार दा सच देंदे वो प्रगट होएगा। धन्नवाद आप सारियां दे माण प्यार दा। इहदे नाल ही मैं समुचे तौर पर सारियां दा धन्नवाद करदा हाथ बन के समुचे तौर पर सारियां सारे विद्यार्थियों का। ये नाल ही इत्थे सिंह खड़ा जिन्हें हरजीत सिंह जी नूं सेवा करनी है वो सेवा इन्हां नूं दे सकदी है, पिछे 1000 रुपया भी आ गया, 100 रुपया मेरे को होर आया वो सेवा करन। इन्नी कु बेनतियां तुसीं सारे प्रवान करो जी। श्री अकाल खालसा वाहिगुरू राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद राग रतन परिवार परिया राग सब सतगुरु मैं आया।
सब सारणा अंगीकारो कर तेरा कार्य सब सवारणा सगरा कला सब रत्नों सो क्यों मनो विसारे साची सारी मां क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किच है जिसते हैं सदा सिफत सदा सब भगवान हर शाम सुख मन आया सया इच्छा सब भगवान सदा कुर्बान किता गुरवी पहुंच जिस दिया रीड करनी है सारिया ने क्योंकि फिर एथे ही आपा पंक्ति तौर ते पंगत बना के लंगर छकना है। सो एक बारी फिर मैं बेनती कर रहा कि महाराज दा स्वरूप जान तो उपरांत पंडाल दे विच जिन सतगुरु दित्ते पातशाह बख्शिश करन खुला चुका दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। श्री हर राय श्री हर कृष्ण की आई है सिखा सब कुछ जाय देख बहादुर सिमरिया करनाओ निधि आवे ताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हो सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर खालसा जी बोलो जी हे निमाड़ियां दे माण ने ताणियां दे ताण नावटियां दी ओट निहासियां क्या श्री गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो आप जी के हजूर अरदास बेनती है पातशाह जी आप जी ने महान रहमत कीती गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सालाना समागम रखद्या हो अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना दे दर्शन दीदारे दे करके निहाल किया आप जी के पवित्र दीवाना की संपूर्णता हुई है। पातशाह जी इस वेले सुख आसन किए गए हैं गुरबाणी के जाप किए गए हैं गुरबाणी के जाप करद्या कोलों सेवा करद्या कोलों अनेक प्रकार दुलों हो जा सतगुरु जी ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲ ਛਕਣ ਲਈ ਟੂਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਇਹ ਜੂਠੇ ਪਤਣਾ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੂਠੇ ਪੱਤਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸੋ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਜੀ।